मेरा नाम उमर खान है और वीर अर्जुन जो ये फिल्म बन रही है इसके प्रोड्यूसर मुकेश पांडे जी, इसमें लीड किया है राकेश पांडे जी ने और प्रमोद प्रेमी, और लीड हीरोइन प्रियंका पांडे, प्रियंका राय और दूसरी नमिता पांडे, इसमें मैंने विलन का रोल किया है और आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, बहुत ही अच्छा करेक्टर है मेरा, देखिएगा। तो राकेश जी के साथ, प्रमोद जी के साथ काम करके कैसा लगा? बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छी टीम रही, एकदम टाइम से काम शुरू होता था, टाइम से ख़त्म होता था, बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है, आप लोग ज़रूर देखिए। और मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि देख के आशीर्वाद दें कि फिल्म अच्छी चले, हिट हो। तो इस फिल्म को लेकर कितना आप एक्साइटेड हैं? बहुत ही एक्साइटेड हैं, बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है, काबिले तारीफ़ है, और हम लोग को तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन दर्शक अब क्या करते हैं, दर्शकों के ऊपर छोड़ा जा रहा है कि दर्शक पसंद करते हैं या नकार देते हैं। हिट और फ्लॉप तो उनके हाथ में है, हम लोग के हाथ में कुछ भी नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू, और सबसे ज़्यादा बधाई हमारे डायरेक्टर साहब को देना चाहिए, नंद किशोर महतो जी, जिन्होंने इसमें बहुत मेहनत किया। आज फिल्म है हमारी वीर अर्जुन, जो बहुत ही मेहनत के साथ बनी है। सबसे पहले तो मैं अपने जो दर्शक हैं भोजपुरी के, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, और बताना चाहूँगा कि वीर अर्जुन में मेरे साथ, मैं राकेश पांडे, मेरे साथ प्रमोद प्रेमी जी हैं जो सुपर डुपर स्टार ऑफ सिंगर ऑफ भोजपुरी सिनेमा, और साथ में रजनीश पाठक जी, एहसान खान जी, प्रियंका रॉय जी, नमिता पांडे जी, तमाम बड़े कलाकारों से सजी हुई ये पिक्चर है। और आज इसका ट्रायल इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन के ऑफिस में इसका ट्रायल शो हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं, बड़ा उत्साह है, और जल्दी ही ये पिक्चर आप लोगों के बीच में प्रदर्शित होगी। और मेरा आप सब लोगों से बहुत विनम्र निवेदन है, पिक्चर बहुत बहुत अच्छी बनी है, इसको जो है ज़रूर सिनेमा घर तक आप लोग जाएं, जिससे कि भोजपुरी सिनेमा को जो है बल मिले, और अब भोजपुरी सिनेमा का जो स्तर जो साफ़ सुथरा और जो बहुत बढ़िया धीरे धीरे होता जा रहा है, तो आप लोगों को बहुत विनम्र अपील है कि पूरे परिवार के साथ जो है ये पिक्चर देखने के लिए आएँ। वीर अर्जुन में खास क्या होगा? वीर अर्जुन के अंदर खास ये होगा कि इसके अंदर आपको एक एक्शन डायरेक्शन स्टोरी लाइन भी एक पिक्चर के अंदर बांध के रखेगी, एक मैसेज होगा कि बुराई पे, बुराई कभी भी कितना भी आगे निकल जाए लेकिन अच्छाई के आगे हारती है, तो ये उसी की कहानी है वीर अर्जुन। तो मैं इसके अंदर आपको बहुत बढ़िया गीत मिलेगा प्रमोद प्रेमी जी का, जो उन्होंने गाने गाए हैं प्रेमी जी ने, तो इतने अच्छे गाने हैं, मधुर गाने हैं कि लोगों को कर्णप्रिय लगेंगे। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके अंदर जितने भी कलाकार हैं हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे रजनीश पाठक जी हैं, सब लोगों ने बहुत बहुत जो है इसके अंदर जो है उम्दा अभिनय किया है, और इसकी खासियत यही होगी कि पूरी फिल्म के बाद लोगों को वाकई महसूस होगा कि अपनी माटी का पिक्चर हुआ लोग देखा ला जा, भोजपुरी में बनल बा, और एकदम मस्त फिल्म के अंदर डायलॉग बा, और इंटरटेनमेंट से भरपूर बा, मैसेज बा, परिवार के साथ देखे लायक बा। जी, गुजराती फिल्मों के आप सुपरस्टार हैं, अब भोजपुरी में भी परचम लहराने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी तो कहते हैं ना, वो मथुरा कृष्ण भगवान की जन्मस्थली थी, द्वारिका उनकी ऑफिस थी, तो द्वारिका गुजरात में हुआ, तो एक कर्म स्थली गुजरात मेरी शुरू से रही है, और जन्मभूमि गाजीपुर गांव का हूँ, बेमुआ गांव, गाजीपुर जिला बेमुआ गांव का हूँ, तो हमको अपने क्षेत्र में काम करे का मौका मिलल बा, तो एक तो बहुत अच्छा महसूस होता, और ये कलाकार खातिर तो कोनो क्षेत्र होइबे ना करेला, कलाकार के लिए तो जैसे काजल रघवानी जी हैं गुजराती से भोजपुरी में, बहुत सारे हैं जो भोजपुरी से गुजराती में काम कर रहे हैं, तो कलाकार ही एक ऐसी जगह होती है जो किसी भाषा जगह को नहीं देखती, यहाँ अगर आप अच्छा करते तो अमेरिका में भी लोग उसको देखते हैं, इंडियन हम तो यहाँ पे इंडिया के अंदर हैं, लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ के कई सारे जो अच्छे एक्टर्स हैं, उम्दा एक्टर्स हैं, जो हॉलीवुड में प्रियंका चोपड़ा काम करें, इंग्लिश वाले भी उनको स्वीकार कर रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है, और अपना माटी से के ना प्यार हुई, तो अपना भोजपुरी क्षेत्र में अपना भाषा में काम करे का मौका मिलल बा, बहुत बहुत अच्छा लगा था, बस रउआ सब लोग का आशीर्वाद चाहिए कि पिक्चर के हिट कर दिए। प्रमोद जी भी आपके साथ में हैं, दो हीरो, आपने क्या कहना चाहेंगे? प्रमोद जी एक बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं, और बहुत ही लेबोरियस हैं,
और कोऑपरेटिव बहुत है। और मैं कहता हूं कि जब इंसान आगे बढ़ता है तो उसके पीछे वाकई कुदरत का भी कुछ करामात होता है कि उसका नेचर जब अच्छा होता है तो चारों तरफ से उसको साथ मिलता है। तो इतना साथ सहकार के साथ उन्होंने काम किया है और मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि इतने बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन जितना विनम्र उतना ही विनम्र भी हैं। और गानों के अंदर, पिक्चर के अंदर, हर चीज़ में मन लगा के काम करते हैं और कभी किसी भी प्रकार की किसी को, आर्टिस्ट को भी तकलीफ़ नहीं होने देते, प्रोड्यूसर्स को नहीं होने देते, किसी भी प्रकार का उनकी तरफ से कभी भी हमको जो है हमेशा सहकार ही मिला है। और मैं तो अब उनके साथ चाहता हूँ कि आगे भी हम लोग ऐसे ही उनके साथ काम करें। ये जल्दी ही आप लोगों के बीच में पिक्चर आ रही है और ये फिल्म जो है इस महीने में समग्र भारतवर्ष में रिलीज़ होगी ये पिक्चर, और जिसकी ओपनिंग बिहार से ज़बरदस्त प्रबल होने जा रही है। कुछ ही समय में हम आपको जो है इसका अनाउंसमेंट भी आ जाएगा, पब्लिसिटी भी आ जाएगी। बस आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। आइए आप भी आ जाइए भाई। सबसे पहले पूरे भोजपुरी समाज के, पूरे भोजपुरी दर्शक के, रजनीश पाठक का हाथ जोड़ के उमर खान आइए आप। हम लोग ये फिल्म बड़ी अच्छी तरह से शूट हुआ है, जिसके बहुत अच्छे डायरेक्टर और बहुत प्यारे डायरेक्टर हमारे नंद किशोर महतो जी हैं और वो मोशन से बना हुआ है, जिसके प्रोड्यूसर मुकेश पांडे जी हैं और हमारे स्टार और हमारे दिल के धड़कन राकेश जी हैं। और भोजपुरिया दिल के धड़कन जो भोजपुरी अपने सिंगिंग से हर छोटा हो बड़ा हो हर किसी के दिल में जगह बनाने वाले प्रमोद प्रेमी यादव जी हैं, प्रियंका जी हैं और नमिता जी हैं, काफ़ी एहसान खान जी हैं। तो टीम बहुत अच्छा है और हम लोग ने पूरा फिल्म लखनऊ का बहुत प्यारा लोकेशन और एक्शन कॉमेडी फैमिली ड्रामा जो कि आप हर चीज़ इसमें इस फिल्म में देख सकते हैं और पूरे फैमिली के साथ देख सकते हैं। कितना अलग रूप इसमें तो हमारा एक अलग ही रूप है और हर फिल्मों में मेरा डिफरेंट लुक रहता है। हर फिल्मों में आप देखिए तो अभी तक हमने 25 से 30 फिल्में कर चुके हैं, हम तो सब में अलग अलग करने की कोशिश करता हूँ, कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ हर स्टार के साथ, हर एक्टर के साथ, हर डायरेक्टर के साथ। हाँ चलो, तो यहाँ भी बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं यहाँ पर जो है राकेश जी को बहुत बहुत बधाई दूँ, उनकी जो फिल्म आ रही है और हमारी, जैसे कि आप लोगों ने पूछा राकेश जी से, मैं खड़े होकर सुन रही थी कि भाषा की कोई, एक एक्टर के लिए भाषा का कोई बाउंडेशन नहीं होता है और हमारी भोजपुरी तो जो है यहाँ से लेकर मलेशिया से लेकर लंदन तक फैली हुई है। तो लोगों से यही आशा करते हैं कि लोग ये फिल्म देखें, सपोर्ट करें, क्योंकि ये अपनी लैंग्वेज की फिल्म है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें उतनी अच्छा लगे, हम सब के बनवा में भी अच्छा लगे और काम करने में भी अच्छा लगे, कहें कि हम सब आप ही सब लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो आज हम आप राकेश जी के बहुत बहुत बधाई। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि डायरेक्टर साहब आइए, नंदू जी, नंदू जी लास्ट में कहना चाहूँगा कि सब लोगों ने मिलके भाई बहनों का मेहनत किया है। हमारे डायरेक्टर साहब हैं नंद किशोर महतो जी, कहिए आप दर्शकों को। मैंने कोशिश किया हूँ अच्छी फिल्म बनाने का, बाकी दर्शक लोग को बढ़िया एक बार जरूर थिएटर में आके देखिए। ये बोलते कम है, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। और आप जिस तरीके से रहुआ आप लोगन हमारे प्रोमो के जौन हिट कैले वाला जा ओकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद वीर अर्जुन के, ऐसे प्रोमो का जौन रिस्पांस आयल बा ओके देख के लागत है कि 100% रहुआ लोगन का आशीर्वाद पर मिली पिक्चर खातिर। और बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी प्रदर्शित हो जाता वीर अर्जुन और एमे एगो डायलॉग बा हमारा जो प्रोमो में लोग पसंद करता प्रमोद प्रेमियो जी को करता, तो हमारे में एक डायलॉग बा, बातों से बात रखता हूँ, दिलों में जज्बात रखता हूँ और तेरे जैसे आदमी की अपनी जेब में अकड़ और औकात रखता हूँ। तो ऐसा ट्रेलर है, लोग रिस्पांस दे रहे हैं, मैं सब लोगों का बहुत बहुत से अनुरोध है जरूर से जरूर एक बार जरूर पिक्चर के मेरी देखें वीर अर्जुन देखने आए। थैंक यू। चलिए चलिए चलिए, बस मैं फिल्म से रिलेटेड नहीं हूँ बट मैं उनको शुभकामनाएं देने आई हूँ, बस इसी तरह हमारे हीरो बढ़ते रहे आगे, बस इसीलिए शुभकामनाएं, धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल के दर्शक को हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा हमारे मित्र राकेश पांडे जी को और फिल्म वीर अर्जुन को मैं बहुत सारी शुभकामना देता हूँ और दर्शकों का काफ़ी प्रेम इस फिल्म को मिलेगा। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो आज बहुत ही आगे बढ़ रही है उसमें ये फिल्म और एक नया मकाम हासिल करे, ऐसी शुभकामना। राकेश जी जो गुजराती फिल्मों के स्टार हैं भोजपुरी में भी उन्होंने पदार्पण किया, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर पहली बात तो मैं कहूँगा कि स्टार स्टार होता है, कैमरे के आगे जो भाषा बोल दो
वो हो जाती है। तो राकेश जी एक बहुत ही सफल कलाकार रहे गुजराती के और यूपी से है खुद, और गुजरात में रहने के बावजूद भी जब आप उनको मिलोगे तो ऐसे ही लगता है हम उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति विशेष से मिल रहे हैं। तो उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा ही रहेगा और राकेश जी ढेर सारी फिल्में आगे करेंगे। और एक भोजपुरी के स्टार हैं प्रमोद प्रेमी यादव, जो भी हीरो हैं इसमें, हाँ जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस हम उनके आशिक है ही और उम्मीद करते हैं अभी ट्रायल देखने जा रहे हैं और भी मज़ा आएगा यादव जी का परफॉर्मेंस देख के भी। जी ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर कि जब फिल्म सिनेमा हॉल में रिलीज होगी? देखिए जैसे कि राज कपूर साहब भी कहते थे डर्टी पिक्चर में, मिलन लुथारिया ने भी कहा है, फिल्म का नाम है होता है मतलब होता है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। तो ये फिल्म भी ढेर सारे एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट को लेकर बनी है। तो बहुत हम लोग फिल्म में एक ही होता है, या गाली मिलेगी या ताली मिलेगी, ये फिल्म को ज़रूर ताली मिलेगी। थैंक यू सो मच सर।